आखिर ये कोरोना वायरस क्या है कि हमारे भारत में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर होने के बावजूद भी इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है? आखिर क्या है सच? अगर आप भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते तो कोरोना वायरस को किस तरह से नियंत्रित करते? अगर हम भारत के प्रधानमंत्री होते तो कोरोना को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर लेते। नियंत्रित क्या, कोरोना को अपने देश में घुसने ही नहीं देते। थोड़ी सी बुद्धि लगाने की ज़रूरत थी। जैसे कि आप जानते ही हैं, इस देश में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी को केरल में पाया गया था, इसकी बाद में मौत हो गई थी। इसके अलावा दिसंबर महीने से ही चीन के वुहान शहर से खबर आ रही थी कि कोरोना वहां कैसे कोहराम मचा रहा है, लेकिन हमने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। यह बात शुरू में ही स्पष्ट हो गई थी कि यह वायरस भारत में बाहर से आ रहा है, और वो भी हवाई जहाज़ से। तो बस आपको सिर्फ इतना करना था कि सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लॉकडाउन कर देना था, और जिनमें भी यात्री भारतीय विदेशी आते उन सब की जांच कराना था, और जो भी संदिग्ध पाया जाता उसकी टेस्टिंग करानी थी, तथा बीमार को हॉस्पिटल और स्वस्थ व्यक्ति को घर भेजना था। और हम ये सब कर लेता तो कोरोना वायरस एयरपोर्ट पर ही ख़त्म हो जाता और हमें पूरे देश को लॉकडाउन नहीं करना पड़ता, और न ही हमारी अर्थव्यवस्था इस बदहाली में पहुंचती, ना हमारे प्रवासी मजदूरों को इतना कष्ट उठाकर पैदल ही जाना पड़ता और न ही विवश होना पड़ता। और जब हमारे यहाँ लॉकडाउन नहीं होता, मतलब सारे कारखाने उत्पादन कर रहे होते, आज हम पूरे विश्व में सामान सप्लाई कर रहे होते। एक सुनहरा मौका पूरे विश्व ने आर्थिक रूप से अपनी धाप जमा के हमने अपने राजनीतिक स्वास्थ्य को मौका खो दिया। आखिर ये क्या है? और आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे क्या करना चाहिए था? शायद ये हमारे नरेंद्र मोदी की गलत फैसला है या और नहीं है, क्योंकि हम तो उतना समझदार है ही नहीं कि मैं उसको दोष दे सकूं। शायद ये सब वो कर लेता तो शायद आज हमारा भारतवर्ष में इतना कोरोना वायरस का महामारी पूरे देश में नहीं फैलता और पूरे आर्थिक व्यवस्था इतना नहीं गिरता, कर्मचारी को अपना नौकरी खोना पड़ता। शायद ये एक राजनीतिक या जो भी है, आप लोग समझ रही होगी कि आखिर ये क्या है और ये मामला क्या है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को पूरी अपनी दोस्तों और फैमिलियों के साथ भी शेयर करके बताइए कि आखिर किस तरह से हमारा कोरोना वायरस हमारा देश पर आया। शायद ये तो एक नमूना है, आगे भी क्या क्या और हो सकता है। जैसे कि आज अभी फिलहाल में सुनने आ रहा है कई स्टेट में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है, जैसे कि उड़ीसा और मुंबई, और ना जाने और कहां कहां होगा और क्या क्या झेलना पड़ेगा, और न जाने आगे और क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या हमारा प्रवासी भाइयों को सहना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जिससे मतलब परेशानी उठाना पड़ेगा वो है हमारा राजमिस्त्री भाई, यानी कि वर्कर, यानी कि हम और आप।